हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्योति आरजे व्लॉग। और मैं आज आप लोगों को मेरी ब्लॉग में घी के अनोखे फ़ायदे बताने वाली हूँ और आप 15 मिनट में घी कैसे तैयार कर सकते हो उसकी पूरी विधि बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरा वीडियो पूरा देखिएगा। और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, वैसे घर का जो काम है अधिकतर काम वो मेरी भाभी करती है, वो मुझे काम ही नहीं करने देती हैं, तो मैं क्या करूं। मैं तो हेल्प करना चाहती हूं, उनकी मदद भी करना चाहती हूं, मैं भी मेरी नई नई रेसिपी बनाना चाहती हूं, लेकिन मेरी भाभी कुछ नहीं करने देती। तो आज भी घी निकालने का काम जो है वो भाभी ही कर रही हैं, मैं बस वीडियो शूट कर रही हूं। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए चलते हैं। इस तरीके से 4 दिन की बची हुई जो मलाई है वो हमने एक बड़े से भगोने में ले लिया है और एक फटनी के मदद से इसे फेंट रहे हैं। आप चाहे तो एक बड़े चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फटनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इस तरह से लगातार इसे घुमाते जाना है। हम अभी कुछ भी इसमें पानी का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसा जैसा ज़रूरत पड़ेगा हम इस पर ठंडे पानी का या फिर आइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको मलाई निकालने की विधि बता रही हूँ। ना हम किसी मिक्सर का प्रयोग करेंगे, ना ही किसी स्ट्रेनर का इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी ऐड करेंगे। मैंने पहले से ही फ्रिज में ठंडा पानी का एक बॉटल रख दिया था। अगर आप चाहे तो बर्फ़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, हमने थोड़ा सा ठंडा पानी डाला है इसमें फेंटते टाइम, तो मलाई अपने आप ही बाहर निकल के आ गई। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से मलाई निकल गई है। अब मैं आपको घी खाने के फ़ायदे बताती हूँ। ये हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है और भविष्य में होने वाले कोई भी हार्ट रिलेटेड डिजीज़ हो या कैंसर से रिलेटेड परेशानियाँ हो उसे फाइट करने में हेल्प करता है। जिनकी भी स्किन ड्राई है, हेयर ड्राई है, उनके लिए घी काफ़ी फ़ायदेमंद है। घी को न्यूट्रिशनल पावर हाउस भी बोला गया है क्योंकि इसमें विटामिन ए, डी, ई, के और भरपूर अमाउंट में मिनरल्स भी होता है। घी का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है अगर इसको जो है मॉडरेट अमाउंट में खाया जाए। जैसे कि आप पूरे दिन में 1 से 2 चम्मच घी अपने खाने में ज़रूर ऐड करें। इससे आप हेल्दी भी रहेंगे और स्वस्थ भी रहेंगे और आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म काफ़ी अच्छा हो जाएगा। जिनका वज़न ज़्यादा है वो घी खाना थोड़ा सा कम कर दें, क्योंकि घी जो है आपके बॉडी का फैट और कोलेस्ट्रॉल लेवल और भी बढ़ा सकता है। बट आप कभी कभी स्वाद अनुसार घी खा सकते हैं। फिलहाल तो आप देख रहे हैं कि पूरा मलाई जो है बाहर आ गया है, पानी छोड़ दिया है और आप देख सकते हैं किस तरीके से इसे निकाला जा रहा है। ऐसे बाउल फॉर्म में आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल अलग हो गया ये। और आप एक किसी अलग बर्तन में, चाहे तो जिस कढ़ाई या किसी बर्तन में जिसमें आपको घी निकालना है उसमें आप डाल सकते हैं। तो हमने अब जो है मलाई निकाल कर कढ़ाई में डाल दिया है जिसमें हमें घी बनाना है, आप देख सकते हैं। अब हम कढ़ाई को गैस पर रख देंगे और इस तरीके से आपकी मलाई निकलनी शुरू हो जाएगी। तब तक मैं आपको घी के और भी फ़ायदे बताती हूँ। घी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा प्रेग्नेंट वुमेन को होता है। अगर प्रेग्नेंट वुमेन अर्ली स्टेज से घी खाती हैं तो उन्हें कॉन्स्टिपेशन से, परेशानियों से राहत मिलेगी। बच्चे का ब्रेन डेवलप होता है और वुमेन का डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा होता है और जो है बेबी का स्किन भी काफ़ी नरिश होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो प्लीज़ प्रेग्नेंट वुमेन घी ज़रूर खाएं। आप देख रहे हैं इस तरीके से अब घी का उबाल आना शुरू हो गया है। तो अब जो है हम इसको थोड़े देर ऊंची आंच पे पकाएंगे, उसके बाद आंच कम कर देंगे। देखिए घी अलग होने लगा है, फिर भी हम 1-2 मिनट के लिए धीमी आंच पे पका लेते हैं। और मैं आपको एक बात ये भी बताना चाहूँगी, जिन प्रेग्नेंट वुमेन का वेट ज़्यादा है वो ज़्यादा घी ना खाएं, इससे बच्चे का वज़न बढ़ सकता है और नॉर्मल डिलीवरी होने में दिक्कत हो सकती है। हमारा घी तैयार हो चुका है तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं। बिल्कुल देखिए ब्राउन कलर का जो मटेरियल है वो नीचे नीचे जमने लगा है। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं और थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के छोड़ देते हैं। हमारा घी अब ठंडा हो चुका है तो इस तरीके से हम एक छन्नी की हेल्प से किसी साफ़ सुथरे बर्तन में घी को रख लेंगे।
और आप इस तरीके से घी को किसी भी पराठे के साथ, रोटी के साथ खा सकते हैं, राइस के साथ खा सकते हैं, लड्डू बनाने में यूज़ कर सकते हैं, खीर बनाते टाइम थोड़ा सा शैलो फ्राई करके खीर बना सकते हैं, दूध के साथ ले सकते हैं, चाय के साथ ले सकते हैं। तो इस तरीके से घी लेने के बहुत सारे अनोखे फ़ायदे हैं। अगर आप डेली दूध में थोड़ा सा घी डालकर पीते हैं तो आपको कफ जो है वो निकल जाता है आसानी से। तो घी के फ़ायदे भी है, और सिर्फ एक ही नुकसान है कि अगर इसे ज़्यादा अमाउंट में लिया गया तो हमारा कोलेस्ट्रॉल और फैट लेवल बॉडी का बढ़ा देता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा कि आप अपने डाइट में 1 से 2 चम्मच घी डेली खाएं, ताकि आप स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। और इस तरीके से हमने घी को अलग कर लिया है, और जो बचा हुआ पार्ट है वो आप देख सकते हैं छन्नी के ऊपर रह गया है। ये जो बचा हुआ पार्ट है मेरी भाभी उसका बहुत ही यमी पराठा बनाती है, जिसकी रेसिपी मैं आपसे बहुत जल्द शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।